29 मार्च साल 1857 को भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल बजा। दरअसल आज ही के दिन साल 1857 में मंगल पांडे ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और तब इस ऐतिहासिक संग्राम की शुरुआत हुई कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे द्वारा गोली चलाकर। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च साल 1981 में पहली बार लंदन मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 26 मील के इस मैराथन में पहली बार में ही लगभग 7000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। मैराथन का यह विचार सबसे पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी क्रिस ब्रिशर के दिमाग में आया था और इसके बाद से ही हर साल इसका आयोजन होता है। वर्तमान में हर साल इसमें लगभग 30,000 से अधिक लोग भाग लेते हैं। अनेक जानी मानी हस्तियां भी इसका हिस्सा बनती हैं। इस मैराथन के जरिए लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ने का संदेश दिया जाता है। 29 मार्च साल 1954 को दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की गई। औपचारिक रूप से NGME का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तितली के आकार में निर्मित इस भवन के मध्य में एक गोलाकार सभागार है। NGME के उद्घाटन के मौके पर मूर्तिकला की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में उस दौर के सभी जाने माने मूर्तिकारों देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी, धनराज भगत, सरवरी राय चौधरी की भागीदारी देखी गई। ये संग्रहालय देश के सांस्कृतिक विरासत को बखूबी प्रदर्शित करता है।